हम देखते हैं कि वेजिटा राकुमा के पास आ जाता है और गोहान को बचा लेता है। राकुमा उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि एक और सैयन, तुम्हारे पास भी सेलेस्टियल सील है। ये तो काफी हैरान कर देने वाली बात है। इस पर गोहान कहता है कि वेजिटा जरा संभल कर, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस पर वेजिटा कहता है कि गोहान तुम क्या बेवकूफ हो, इस ताकत को मास्टर करना इतना आसान नहीं है समझे, इसमें काफी वक्त लगता है। तुम इतनी जल्दी अपनी चेंबर से बाहर क्यों आ गए, तुमने अभी तक इस ताकत को समझा नहीं है, इस पर मास्टर करना इतना आसान नहीं है। फिर गोहान कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ वेजिटा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राकुमा वेजिटा से कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम सेलेस्टियल पावर को अच्छे से समझ लिए हो। इस पर वेजिटा कहता है कि ये बात तो सच है राकुमा, और ये हम लड़ाई के दौरान देख लेंगे। इस पर राकुमा कहता है तुम सबको मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। ये कहते ही राकुमा वेजिटा पे अटैक कर देता है। वेजिटा उस अटैक को सामने से रोकने की कोशिश करता है, उसके वजह से वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर जमान कहता है कि ये कैसी ताकत थी, इनकी ताकत तो काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे इस पर शक हो रहा है, क्या ये सच में डीमन है। वही हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो वापस ओमनी पैलेस आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे हम ये लड़ाई हारते जा रहे हैं। जुनो की बात झूठ नहीं हो सकती है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफी मजबूर हूँ। उधर हम कोरा को देखते हैं जो कि आगामी से फाइट कर रहा होता है, जो कि आगामी कोरा को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और कोरा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। इन सभी को देखकर योगा कहता है कि कोरा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इस पर विस कहता है कि कोरा अभी भी अपनी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो अभी भी अपने आप को रोक रहा है। जैसे ही बीरस ये सब सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तो पागलपन है, पता नहीं कोरा ऐसा क्यों कर रहा है, लगता है मुझे ही लड़ाई में उतरना होगा, नहीं तो इस लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इस पर विस कहता है कि लॉर्ड बीरस आप रुक जाइए, आप भी लड़ने के लिए जाएंगे तो आप भी बाकी लॉर्ड की तरह खत्म हो जाएंगे, ये आप भी जानते हैं कि आप उसे नहीं हरा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद बीरस शांत हो जाता है और कहता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो इसका हारना तय है। इधर हम ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को बुलाते हैं और वहाँ पे सारे एंजल्स पहुँच जाते हैं सिर्फ विस को छोड़ के। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुम सब एक साथ कैसे डीएक्टिवेट हो गए, क्या सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे गए। इस पर वैडोस कहती है जी फादर। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अब तक विस क्यों नहीं पहुंचा है, क्या उस तक मेरा सिग्नल नहीं पहुंचा गया। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और हमें विस दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस मेरे पास फादर का सिग्नल आया है, उन्होंने मुझे बुलाया है। इस पर बीरस कहता है कि ठीक है विस जाओ तुम। विस कहता है लॉर्ड बीरस मैं पहले ही आपको वार्न करता हूँ, आप उससे नहीं जीत सकते, इसलिए इनकी फाइट में दखल मत दीजिएगा। इस पर बीरस कहता है कि ठीक है विस। विस के जाते ही बीरस कोड़ा से कहता है कि तुम अपनी पूरी पावर इस्तेमाल क्यों नहीं करते बेवकूफ, क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर आगामी कहता है कि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर कोड़ा मन ही मन कहता है मैं अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैंने लॉर्ड अकुमो से प्रॉमिस किया है और उन्होंने मुझे इसके लिए मना किया है, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, पर मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। ये आगामी धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ा रहा है, मुझे जल्द ही कुछ सोचना होगा। फिर हम वेजिटा और राकुमा को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, उनकी लड़ाई काफी खतरनाक होती है। इसे देख के गोहान कहता है लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे अपनी ताकत पे थोड़ा और समय देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। हमें फिर ग्रैंड पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे विस आ गया होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं सारे लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं सिवाय बीरस के, अब मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, हमें सारे यूनिवर्स के वॉरियर को यहाँ बुलाना होगा और उनसे हेल्प मांगनी होगी। इस पर विस कहता है कि क्या वो सारे इतने ताकतवर है, और उधर गेट नंबर 4 पे कोरा से आगामी लड़ रहा है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि क्या कोरा यहाँ आ चुका है। इस पर विस कहता है कि हाँ फादर कोरा यह आ चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं यह तो बड़ी दिक्कत की बात है, और इसका मतलब कोरा ने सभी गेट पे अपने वॉरियर्स को भेजा होगा। इस पर विस कहता है कि ओमनी गॉड गोकू सभी को नहीं हरा सकता। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो कितना ताकतवर है,
पर हम उनसे हेल्प नहीं ले सकते हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मेरी बात सुनो, सभी लेजेंडरी सैयन को तुम सब लेकर गेट नंबर 3 पे जाओ। वहाँ पे जमान अकेला होगा, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। जल्दी करो, मैं यामोशी के पास जा रहा हूँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि सारे एंजल्स और ग्रैंड प्रिस्ट निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा और राकुमा फाइट कर रहे होते हैं। वेजिटा राकुमा के अटैक डॉच कर रहा होता है, पर अब उसे काफी दिक्कत आ रही होती है। वेजिटा सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ। इस पर राकुमा कहता है कि तुम क्या ही कर लोगे सैयन, अभी तुम्हें इस पावर के बारे में बहुत कुछ सीखना है। और राकुमा एक अटैक करता है वेजिटा पर, और वेजिटा उसे डॉच करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। गोहान खड़े होने की कोशिश करता है और राकुमा पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर राकुमा उसे आराम से डॉच कर देता है और उसे एक पंच मारता है। और राकुमा कहता है कि तुम सैयन बेकार में मारे जाओगे, इससे अच्छा तो तुम सारे सैयन मेरे गुलाम बन जाते। इस पर वेजिटा कहता है कि मैं मरूं या जिंदा रहूं मुझे फर्क नहीं पड़ता राकुमा, पर तुम्हारा गुलाम मैं कभी नहीं बनूंगा। इस पर राकुमा कहता है कि ठीक है वेजिटा, वैसे भी मेरे मास्टर ने कहा है कि कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। हम देखते हैं कि राकुमा वेजिटा पे एक अटैक करता है, पर उस अटैक को कोई रिवर्स कर देता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं गोकू होता है। गोहान कहता है कि आप आ गए डैड। गोकू कहता है कि हाँ मैं आ गया और मैंने ओमनी बैरियर लगा दिया है। इस पर राकुमा कहता है कि अच्छा तुम यहाँ के ओमनी किंग हो। इस पर गोकू कहता है कि हाँ राकुमा। राकुमा कहता है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है, एक सैयन एक ओमनी किंग भी हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस पर गोकू कहता है कि ऐसा नहीं होगा राकुमा। राकुमा कहता है कि वो तो हम देख लेंगे, पर मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़े मजे करूंगा। इस पर गोकू कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा राकुमा, कर सकते हो तो करके देख लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।